शहनवाज जी, अगर कल जीत हासिल हो जाती तो मोदी 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 और अमित शाह की चाणक्य नीति, इन तमाम चीजों की चर्चा होती। अभी देखिए, अनुराग भदौरिया की पार्टी और बीएसपी का तो औपचारिक गठबंधन भी नहीं हुआ, तब भी जनता ने उसको चुना जो आपको हराने की स्थिति में है। आप समझ रहे हैं कि एक साल के राज में जनता कितनी नाराज हो गई आपसे शहनवाज? देखिए, जब उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, आम चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होता है सरकार बनाने को लेकर। कई जगह उपचुनाव हम जीते भी हैं और कई जगह उपचुनाव हारे भी हैं। जब हम चित्रकूट में पहले अभी हारे थे तब भी चर्चा हुई, अभी हम राजस्थान में उपचुनाव हारे थे लेकिन तुरंत त्रिपुरा जीत गए, मेघालय और नागालैंड जीत गए। शहनवाज, एक मुझे बात बताइए, शहनवाज भाई एक बात बताइए, पिछले एक साल में जितने भी लोकसभा उपचुनाव हुए, मुझे बताइए पिछले एक साल में जितने भी लोकसभा उपचुनाव हुए हैं बीजेपी कितने जीती है? मुझे एक सीट का नाम बता दीजिए, मेरी तो याददाश्त बहुत कमजोर है, आप मुझे बता दीजिए कौन कौन से जीते हैं आप, और खासकर उत्तर भारत में। बीजेपी जहां चुनाव नहीं, जो उपचुनाव हुए तो मध्य प्रदेश में हम लोग जीते थे शहडोल, पहले 20 जगह उपचुनाव हुए, 3 लोकसभा। लोकसभा सर, जो हमारी शहनवाज भाई लोकसभा की बात कर रहा हूं, मैं लोकसभा ही बता रहा हूं सर, कि जब लोकसभा के 3 जगह के उपचुनाव हम जीते हैं, मैं अभी कहिए तो मैं लिस्ट निकाल लेता हूं, और जो 20 पिछले चुनाव हुए हम अपनी सीट जीते हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया कल जो पहली प्रतिक्रिया आई योगी आदित्यनाथ की, ठीक है शहनवाज भाई मैं आऊंगा आपके पास, मैं एक ब्रेक में जाना चाह रहा हूं, अनुराग भदौरिया बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, कल जो पहली प्रतिक्रिया आई योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने आपको बधाई तो दी मगर उन्होंने गठबंधन को अनैतिक बताया। आप तो अवसरवादी लोग हैं, आप कैसे जीतेंगे 2019 अनुराग? देखिए, वो दरअसल में फ्रस्ट्रेशन में है, जब अपनी अपनी घर की सीट आदमी हारता है तो उसको बहुत चिंता होती है और मानसिक रूप से परेशान होता है, तो हमें लगता है मुख्यमंत्री जी उसमें परेशान होंगे तो उनके मुंह से ये शब्द निकल गए होंगे, हालांकि उन्हें पता है कि उनके ही घर में जाके समाजवादी पार्टी ने उन्हें बुरी तरह पटका है, इस वजह से वो थोड़े हताश हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी अब बहादुर व्यक्ति हैं, बीते 5 बार लगातार सांसद रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आजकल में वो दोबारा जब बोलेंगे तो संभल के बोलेंगे, क्योंकि उनके पता है कि भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों के साथ मिलकर गठबंधन बना के चला रही है, जिसमें पीडीपी जैसी पार्टियां भी हैं जो देश में अलगाववाद की बात करती हैं। अगर वो पीडीपी से बना के, हमने तो कभी नहीं बोला कि आप क्यों बनाते हो, इनके साथ गठबंधन क्यों करते हो, मेरे पेट में तो कभी दर्द नहीं होता। अगर हम दो पब्लिक के लोग, पब्लिक चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से हटे, क्योंकि वो मगर हकीकत यहां पर है शहनवाज भाई, हकीकत यह है कि जो आपके अपने साथी हैं, जो विचारधारा के स्तर पर आपके साथ हैं, यानी शिवसेना तक, वो आप पर अहंकार का आरोप लगा रही हैं, टीडीपी नाराज है आपसे, अपने मंत्री वापस ले लिए, अपने आप में बहुत मायने रखता है और शुतुरमुर्ग की तरह आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं। तो क्या 2019 का गेम प्लान तैयार है और क्या इस गेम प्लान से कांग्रेस को अलग रखा जा सकता है? मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह बने हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। अखिलेश, सीधा सवाल अखिलेश जी आपसे कि क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी और बीएसपी का जूनियर पार्टनर बनने को तैयार है? क्योंकि कल ही मीडिया में यह फॉर्मूला फ्लोट किया जा रहा था, 35-35-10। सीधा सवाल अखिलेश आपके लिए। देखिए, आप लोगों का कर्तव्य है, अधिकार है फॉर्मूले फ्लोट करना, सूत्रों से चीजों को लाना, गठबंधन करना, किसके साथ करना और किस तरह से करना, ये प्रदेश कांग्रेस के रायशुमारी से राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है, इसके बारे में समय पे वो ही उसमें बता सकते हैं और उसकी प्रक्रियाएं चल भी रही हैं जो आप लोगों को। मगर आप मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में जब तक आप तीनों नहीं आएंगे जो है प्रधानमंत्री मोदी को सियासत में हराना नामुमकिन है, आप तीनों को साथ आना होगा, ये तो आप मानते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखिए, तीनों पार्टियां यूपी की एक फोर्स हैं, ये इसमें कोई नकार नहीं सकता, लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि मोदी को हराना नामुमकिन है, अरे मोदी जी खुद बोझ हैं बीजेपी के लिए, उनमें क्या मैग्नेट है,
जवाब दीजिए शहनवाज, बहुत संक्षिप्त में इसका जवाब दीजिए। वादे किए उसको बीजेपी के लिए बोझ है, मोदी बता रहे हैं। शहनवाज भाई जवाब दीजिए, जो गवर्नेंस करना चाहिए था, जो गवर्नेंस करना चाहिए था वो उनमें क्षमता नहीं है। जवाब दीजिए, ब्रेक में जाने बने बैठे हैं, गरीबों मजदूरों के दुश्मन से बैठे हैं। मोदी जी, मोदी जी तो पूरे दुनिया में उनकी इज्जत है, उनको बोझ कहना ये सही नहीं है। मोदी जी लोगों के मन में बसते हैं और लोग मोहब्बत करते हैं इस देश के। एकाक चुनाव को लेकर अगर आप उनको बोझ बता दें, भारतीय जनता पार्टी काश वो एकाक चुनाव होता, फूलपुर हुई है, हम ये ना भूलें। एक 2019 का गेम प्लान क्या तैयार है? तो एक हार से बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है, सवाल उठने शुरू हो गए हैं। रमाकांत यादव जो कि पूर्व सांसद है, उन्होंने तो सीधा हमला बोला ही है योगी आदित्यनाथ पर। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इशारों में यूपी के सीएम आदित्यनाथ पर सवाल उठा दिए हैं। स्वामी ने कहा है कि जो नेता अपने सीट पर चुनाव नहीं जिता सके, ऐसे नेताओं को बड़ा पद देना लोकतंत्र में आत्महत्या करने जैसा है। अभिषेक जी, एक चुनाव क्या उपचुनाव हारे हैं उसको लेकर कोई नेतृत्व पर सवाल नहीं उठ सकता है। हम लोग चुनाव कई जगह उपचुनाव जो लोकसभा के हुए या विधानसभा के एक दो जगह हारे हैं, लेकिन कई जगह जीते भी हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। और 2019 का क्या होगा? 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत से जीतेगी। श्रीनिवास मैं बता रहा हूँ, मैं आप ही का तर्क आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। सरकार बन और मैं आप ही का तर्क आप पे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि अमेठी के नगरपालिका चुनाव के एक किसी कोने में वार्ड पर जब कांग्रेस की हार हुई थी तो बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोल दिया था। अरे यहां तो दो लोकसभा सीटों में हार हो गई है जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री वहां से कभी हारे नहीं है और वहां की कोई सुगवाट नहीं, नेतृत्व पर कोई ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा है, यही मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी सिर्फ वहां की नगर पालिका ही नहीं हारे, जो आम चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ वो अमेठी में सारी सीटें हारे। तो सवाल यह है कि आम चुनाव में वो नहीं जीता पा रहे हैं, आप ये सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी नहीं जीता पा रहे हैं और दोनों सीट पे अखिलेश प्रताप सिंह भी गया है, राहुल नहीं जीता पा रहे हैं। भारतीय जनता राहुल नहीं जीता पा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जवाब दीजिए, हमला आप पर पार्टी जी सारे विधानसभा के चुनाव जीत रही है। अभिसार जी ये अनुराग में आऊंगा आपके पास, अनुराग अगली बार मैं आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए, झूठ बोलने की मशीने हैं, सुनिए, ये लोग झूठ बोलने के मशीन है। अभी रायबरेली शहर जिसपे कांग्रेस जीती है उसकी काउंटिंग चल रही थी और अभी अमेठी के जहां हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, टाउन एरिया में लड़ते हैं, एक वो हम जीत रहे थे, तब तक माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। अभी काउंटिंग चल रही थी कि हार गई। और आप थे या कोई और था, मैंने कहा भाई अभी काउंटिंग चल रही है, आज तक मैं उस समय था। आप लोग परिणाम बता रहे हैं, झूठ बोलने की चलती फिरती मशीनें हैं ये। और ये सत्य है कि सामान्य लोग नहीं हारे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हारे हैं। इसी तरह से माननीय मोदी जी अपनी असेंबली के अनुप्रिया पटेल की खाली हुई असेंबली सीट हारे थे, पार्लियामेंट एमपी होते हुए, प्रधानमंत्री होते हुए अपनी सीट को, तो उसको जिक्र नहीं देंगे। ठीक है, आज है वो यही से भाग रही है बीजेपी, मोदी जी बार बार साबित आ रहा है। और यही मैंने शुरुआत में कहा था कि कहीं अहंकार तो नहीं रहा। अनुराग भदौरिया आपकी प्रतिक्रिया, फिर मैं शहनवाज के पास जाऊंगा। शायद शहनवाज सेन साहब भूल गए हैं कि मोदी जी लोकसभा तो हारे ही थे, नगर निकाय के इलेक्शन में अपना जहां पे उनका मठ है उसका बूथ भी हार गए थे। तो जब बूथ हार गए थे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता कैसी है। जो अपना बूथ नहीं बचा पा रहे थे तो लोकसभा कैसे बचाएंगे, तभी अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि आपने आपसे पार्टी के आपसे पब्लिक कितनी नाराज है। इस नाराजगी को उन्होंने जाहिर कर दिया था नगर निकाय में। देखिये, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर बुरी तरह हार जाते हैं और आपके ही नेता लोग अब आपके ही विरोध में स्वर उठाते हैं तो आप कहते हो कि गठबंधन की राजनीति है। अरे गठबंधन में आप 25-25, 30-32 पार्टियों के साथ सरकार मिलकर बनाते हो तो हम तो नहीं कुछ कहते आपसे, लेकिन आप डर गए हैं क्योंकि आपने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए पब्लिक आपको नकार रही है और आप नफरत की राजनीति। शहनवाज जी मुझे एक बात बताइए, मुझे पता है क्या डर है, इसमें फैलाइए। शहनवाज जी मुझे डर है,
हुए हमारी सरकार पर कोई रेफरेंडम नहीं है, ठीक है रेफरेंडम नहीं है, मगर मेरा एक सवाल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, अपराध मुक्त हुआ है, ठीक है मेरे एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा में बताया है आपके गृह राज्य मंत्री ने कि उत्तर प्रदेश दंगों में नंबर एक है। शाहनवाज जी जिस प्रदेश को आप बता रहे हैं कि अपराध मुक्त हो रहा है, कल ही आपके गृह राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया है कि उत्तर प्रदेश दंगों में नंबर एक है। इस साल सबसे ज्यादा योगी जी के राज में 167 दंगा हो रहा है, बताइए लोकसभा में हो रहा है। चलिए पीछे के लिए चलते हैं, हम आपके साथ चलते हैं, कहां हो रहा है आपके वहीं पर भी राजस्थान में भी जाता है, राजस्थान में भी जाता है, शुरू हो गया है। चलिए आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं, तीनों आप एक साथ बोल रहे हैं, मुझे मेरा सवाल शहनवाज जी से एक मिनट, मेरा सवाल शहनवाज जी से प्लीज खामोश हो जाइए। शहनवाज जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। अरे अखिलेश जी आप बोल चुके हैं भाई, सदन पे कली अखिलेश जी आप बोल चुके हैं, एक मिनट रुक जाइए। शहनवाज जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप बात बोल चुके ना साहब। शहनवाज मुझे ऐसा लग रहा है आप में अहंकार आ रहा है, मैं क्यों बता रहा हूं, दो मिसाल दे रहा हूं। कल जिस तरह का बर्ताव आपके डीएम का गोरखपुर में था, मीडिया का ब्लैकआउट कर देना, घुसने नहीं देना काउंटिंग के दौरान, यह अप्रत्याशित है। और कल लोकसभा में क्या हुआ जिस पर मीडिया की निगाह नहीं गई काफी एक बड़े तबके की, वो ये शहनवाज हुसैन कि आपने बजट ऑफ ग्रांट्स पर कुछ ध्यान नहीं दिया, वित्तीय बिल आपने पारित कर दिया, बजट आपने पारित कर दिया बगैर चर्चा के, आपने 2013 का इतिहास दोहरा दिया जब आपने खुद वॉकआउट किया था। जी जी आपने जी, वही काम किया जो अखिलेश प्रताप सिंह की पार्टी ने किया जी। पहली बात तो मैंने कल भी आपका ट्वीट देखा था विशाल जी, डीएम जो काम कर रहे थे वो उन्होंने आकर अपनी सफाई वो दे दी। जब डीएम निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं तो वो सरकार के अंडर नहीं होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं। सर ये वो डीएम है कमीशन जिनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निलंबन के आदेश दिए थे। शहनवाज नंबर वन, ये वो डीएम है जी जी, वो जिनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निलंबन के आदेश दिए थे। नंबर एक, दूसरा नंबर दो, इन्होंने शहीदों का पार्लियामेंट चलने का आदेश है, पार्लियामेंट को आपने कहा कि बिल पास कर दिया, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, पार्लियामेंट में हंगामा बर्पा करने के अलावा कोई काम नहीं है। आदेश दिया है आज आपके मुख्यमंत्री जिनको हटा दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी चांदी की थाली में खिला खिला रहे हैं, अभियान चल रहा है, चाहते हैं कि आज वहां के जो अपराधी हैं सुनते हैं वो जान बचा के भाग रहे हैं। आप और बहुत तो कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर एक हल्की सी असहजता हम देख रहे हैं यहाँ पे। अनुराग भदौरिया सवाल ये, आप भी जानते हैं कि अगर आप साथ नहीं आए तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ नहीं रोक पाएंगे, मगर अभी तक आप स्पष्ट संकेत नहीं दे रहे हैं। अनुराग देखिए, जब भारतीय समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया था तब भी किसी को नहीं मालूम था कि बहुजन समाजवादी पार्टी इनका सपोर्ट करेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते हैं मेरी स्ट्रेटजी गड़बड़ा गई, तो इनको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी बनाने वाले उत्तर प्रदेश के लोग बहुत होशियार हैं, पूरे देश को चलाते हैं, स्ट्रेटजी इन्हें बनानी आती है, ठीक है, और जब समय आएगा तो स्ट्रेटजी अच्छी बनेगी जिससे शहनवाज इसका त्वरित जवाब दें। उत्तर प्रदेश इनके बीच तो औपचारिक गठबंधन भी नहीं हुआ था, शहनवाज जी इनके बीच औपचारिक गठबंधन भी नहीं हुआ था तब भी आपको हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। Do like, share and subscribe Fox News India, News Beyond Politics.